पिछले एक सवा साल के अंदर में 11 इलेक्शंस स्टेट असेंबलीज के देश में हुए हैं, और आज जो हम नए जो 2024 में जा रहे हैं तो इस दृढ़ता के साथ जा रहे हैं कि जो उनके आउटकम्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पहले वो पीसफुल हुए, वायलेंस फ्री हुए, जो इसमें से एक दो स्टेट में वायलेंस होती थी वहां भी वायलेंस नहीं हुई, नियर जीरो रूपोल्स, और कैंपेनिंग जो क्लटर है, जो नॉइज है जो कैंपेन के दौरान होती है पॉलिटिकल पार्टी से, कि उसमें भी घटित देखने को मिली। कोर्ट केसेस रिड्यूस हुए, कोर्ट की टिप्पणियां जो अनावश्यक या हमारे ऊपर में होती थी वो कम हुई, सीजर्स बढ़े, और फेक न्यूज पर एक एक्शन लेने का जो तरीका था वो बहुत बड़ा। तो लास्ट टू ईयर्स में इसको और रोबस्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया है ये हम आपको आज दिखाएंगे, और उसको कैसे बेहतर करेंगे ये भी दिखाएंगे। हम कहां पहुंचना चाहते हैं, इस इलेक्शन को किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं, ये भी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाएंगे। अभी जो इलेक्टोरल साइकिल है उसमें हमने कितनी तैयारी की है ये हम आपको आज शेड्यूल बताने से पहले बताना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो इनपुट के रूप में हमारा जो इलेक्टोरल रोल है वो प्योर होना चाहिए, ये फाउंडेशन है किसी भी अच्छे चुनाव के लिए। उसमें जिसको होना चाहिए वोटिंग में वो है, और जिसको नहीं होना चाहिए वो नहीं है। हमने इलेक्टोरल रोल में बहुत मेहनत की है, इनपुट के तौर में मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इतनी चीज़ें लगती हैं। प्रोसेस के रूप में जो डिसरप्टिव चैलेंजेस हैं, मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, एमसीसी वॉयलेशन, और रीचिंग आउट टू द मिसिंग वोटर्स, अर्बन अपैथी, यूथ अपैथी, और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस जिसमें रीचिंग इन इनएक्सेसिबल एरियाज इन दिस वाइट कंट्री, एंड व्हाट आउटकम्स वी वांट, दैट इज व्हाट इज वी विल टेल यू लिटिल लेटर आल्सो। तो पहला जो इनपुट है ये एक मोजेइक है जो देश की वोटर्स की, इलेक्टर्स की पिक्चर है। क्या दिखाती है ये, इट्स अ वेरी डाइवर्स मोजेइक। 96.8 करोड़ आर द टोटल इलेक्टर्स इन द कंट्री, ऑफ विच 49.7 करोड़ आर मेल एंड 47.1 करोड़ आर फीमेल। और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं, 1.80 करोड़ 18 से 19, और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव ए लार्जर टाइम टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए देर आर 88.4 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज हु आर पार्ट ऑफ आर वोटर लिस्ट। वी हैव मेड ए स्पेशल एफर्ट कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम अपने इलेक्टोरल रोल में लेके आए। 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं, और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं, वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस। और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टोरल रोल में। सो द मोजेइक इज, ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000, तो मोजेइक इज लाइक 18 से 19, 20 से 28, 85 ट्रांसजेंडर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एंड इन द एंटायर कंट्री, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। इस रिग्रेस जो प्रोसीजर है इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये इस मैं आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि हर स्टेज पे इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन करते समय पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि कोई हमसे ये ना प्रश्न कहे कि आपने अपने से इलेक्टोरल रोल बनाया और हमें बताया भी नहीं। सो व्हेन द इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन स्टार्ट्स, वी मेक ए ड्राफ्ट पब्लिकेशन, वी गिव 2 कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद जितने फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, नया नाम जुड़ने के, डिलीशन के, मॉडिफिकेशन के, मेरा नाम बदल है, घर बदल गया, वो सब की कॉपी हम शेयर करते हैं, उसके मिनट्स बनाते हैं। और इस बार हमने और जोर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे बीएलओस के साथ लगाना चाहें तो लगाएं,
और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वी आर एब्सोल्यूटली कॉन्फिडेंट दैट साइलेंटली वी वर वर्किंग। सब ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1-2-3 मीटिंग्स की हैं, उनको सारे ड्राफ्ट रोल्स दिखाए हैं, दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं। फ्रेंड्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एंड वी आर कॉन्शियस दैट ए वेरी सॉलिड इलेक्टोरल रोल इज द फाउंडेशन स्टोन ऑन एनी इलेक्शन एंड वी आर रेडी टू गो विथ दिस। वी हैव ऑल्सो वर्कड ऑन द वुमेन वोटर्स। वुमेन वोटर्स का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया, विच इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग इन आर इलेक्ट्रल साइकिल। राज्य देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड एंड दिस इज अगेन अ वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर आल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आर इलेक्शन। और जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है, ऐसे ही यूथ पार्टिसिपेशन इज अनदर एरिया विच द कमीशन इज वेरी कॉन्शियस एंड कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन। 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट that out of 13.4 lakh advance applications which have come to us, around 5 to 6 lakhs are such who will complete the age of 18 by 1st of April 2024. Aur wo bhi hamare voter us samay tak ban jayenge. Yani the role would be as much updated on 1st of April ki koi bhi chhute nahi. National icons ko badi sankhya mein humne youth ko apne saath jodne ke liye is karya mein lagaya hai. हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे। और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज की वजह से।